तुम्हें लौटकर वापस आना ही पड़ेगा। रुक्मिणी, शिवदासपुर, जुगनू मंजिल, वो संगीत, वो नाच गाना, ये सब कुछ तो मेरा अतीत था। रुक्मिणी बिल्कुल नहीं बदली, वो वैसी है जैसी वो 30 साल पहले थी। एक मासूम बच्ची की जान उसने फिर से ले ली। अग्नि, अब तो मेरा डर और भी पक्का हो गया। अगर उसने मुझे यहाँ इस शहर में देख लिया ना, तो वो समझ जाएगी कि मेरा बेटा जिंदा है और वो उसे ढूंढकर उसे मार देगी। मुझे जल्द से जल्द बनारस छोड़कर जाना ही होगा, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया यार रुकने के लिए, क्योंकि तुझे और तेरी जिंदगी को बचाने का जिम्मा मैंने लिया है। अग्नि, होश में आ जा, उठ जा अग्नि, और आजाद कर दे मुझे अपने इस डर से। समझ में नहीं आ रहा कहाँ की है इसके प्राण, इसे जीवन दान देकर मैं बनारस से चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे दो अधूरे काम पूरे करने हैं। पहले मैं उस औरत से मिलूंगी जिसने मेरे बच्चे को बचाने का जिम्मा लिया था, और दूसरा काम मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती। क्या हुआ रे, इतनी बड़ी दुनिया है और तू यहाँ अकेली है? कोई नहीं है तेरा या गुम गई है? अरे बता ना, परिवार कहाँ है तेरा, या छोड़ दिया उन्होंने तुझे? और अगर छोड़ा तो क्यों? कितनी प्यारी है तू, बिल्कुल फूल सी बच्ची को कोई छोड़ता है क्या? मैं तो कभी ना छोड़ू। हाँ, तेरे माँ बाप ने कैसे छोड़ दिया तुझे? नहीं, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे। थे मतलब? अब नहीं है क्या? नहीं, वो भगवान जी के पास चले गए। मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। अरे नहीं, एक जगह है जहाँ तुम्हें खाना और रहना मिल सकता है, वहां सबको सहारा मिलता है। ये ले। क्यों, खाने वाली थी तू? तू जानती है मुझे, मैंने इसमें कुछ मिलाया हुआ तो अगर तुझे बेहोश करके ले गई तो तुझे मालूम है ना बिटिया, ये दुनिया कितनी सालिम है? बहुत
बहुत जालिम है। सुन मेरी मलाई, यहाँ कोई किसी की नहीं सोचता भलाई। वो देख, सुनसान सड़क है, कोई जानवर कोई गुंडा मवाली आ गया तो कोई भी कहीं से भी आ सकता है, लेकिन तू डरना मत। ये ले खा और तू जा, मैं भी चलती हूं अपने रास्ते। रुको। आप कह रहे थे एक जगह जहाँ खाना और रहना दोनों मिल सकता है। ये नीलू, आपसे कुछ बात करनी है। क्या काम है इसे? चांदनी दीदी, दो खरे सोने जैसे बच्चे लेकर आए हैं आपके पास। हाँ सोना, बच्चों की जांच कर ले, जिसकी जैसी चमक हो वैसा दाम दे दे। ये तो लड़का है। हाँ ये भी लड़का ही है। ये मेरे किस काम के? तुमने हमारा समय बर्बाद किया है। अरे नहीं नहीं ना चांदनी दीदी, वो का है ना, हर चीज की कीमत होती है। हाँ ये ना जिंदा शरीर है, जिंदा शरीर बाजार में जाके पुर्जे बेचेंगे ना तो बहुत कीमत मिलेगी। और ये चूहा, ये तो कुछ ही महीनों का है। कोई भी बेटे की चाह वाला परिवार मिलेगा उसको जाके बेच दीजिए, बनारस में बहुत ज्यादा मिलेंगे। हाँ चांदनी दीदी, चांदनी दीदी देखिए ना, बनारस से 25 किलोमीटर शिवदासपुरी आए हैं, तो कुछ तो सोचकर आए हैं ना आपके पास। हाँ बहुत मिल जाएंगे तो तू जाके बेच दे। हमारा पहले से ही सर दर्द हो रहा है उस रुक्मणी के वजह से। चलो जाओ यहाँ से। चलो भैया उठाओ। तो भरा पूरा परिवार है। एक मिनट, ये तो रुक्मणी के परिवार का लग रहा है। रुक्मणी, मैंने कहा था ना वक्त तुझे यहां लेकर आएगा, अब वो वक्त आ गया है। अग्नि, अग्नि होश में आ, एक बार मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। माई, आज से पहले कभी आपको इस तरह से रोते हुए नहीं देखा। माई अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, अगर जड़ी बूटियां काम नहीं कर रही हैं तो भक्ति की शक्ति को ही आजमा कर देख लें, क्या पता भगवान ही हमारी मदद कर दे। मैंने सुना है शिवदासपुर के पास काली माँ का एक स्थान है, बहुत मान्यता है वहाँ की, और अभी समय भी अच्छा चल रहा है। आज काली माँ की पूजा का खास दिन है, क्यों ना हम वहाँ चल के काली माँ का आशीर्वाद ले लें। ठीक है, शायद काली माता ही इसकी जान लौटा दे। ठीक है, शिवदासपुर निकलने की तैयारियां शुरू कीजिए। जी माई। जाओ पार्किंग स्लॉट से हमारी गाड़ी लेकर आओ। दूसरों का घर जलाई हो तो आज खुद पर भी पड़ेगी।
राह में बिछाई हो पत्थर तो ठोकर भी खुद को ही लगेगी। तूने किसी का एक छीना है, आज तुझसे दो छिन गए। क्या हुआ कुमार? सासुमा सासुमा, आपका वंश और मेरा अंश दोनों गायब हो गए हैं। पता नहीं कोई उठा कर लेके गया है। क्या? तूने किसी का एक छीना है, आज तुझसे दो छिन गए। वंश 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 ससुआ, मैं खरीदूंगी इन लड़कों को। है सच्ची? सोना 50,000 रुपए दे दे इसे। ये सोना इतना काहे कम पैसा मिल रहा है? तुम तो खाद ज्यादा मिलेगा। ये कोई बाजार नहीं है या मोल भाव नहीं होता। सोना ठीक है, जो भी मिले हमको का। हमको तो वैसे भी रास्ते के कांटों को हटाकर ठाकुरों का पूरा खजाना लूटना है। इन बच्चों को पीछे डाल दो। चलते हैं। इस लड़के की तस्वीर फोटो फ्रेम में थी। ये रुक्मणी का पोता है शायद। अब होगा पूरा हिसाब किताब रुक्मणी। चांदनी दीदी। सलाम चांदनी दीदी। सलाम। अंधेरा कर दो यहाँ, क्योंकि आज हीरा ऐसी चीज लाई है जिसकी रोशनी से कोना कोना चमक जाएगा आपका। खजाना तो हमें मिल गया है हीरा, तुम हमारे लिए क्या लाई हो? दिखाती हूँ दीदी, दिखाती हूँ। ये देखो, इस बार हीरा लाई है हीरा। नैनों में चमक है, चाल में दमक है, इसका चेहरा चेहरा नहीं मलाई है मलाई। मैं तो कहती हूँ ये चलती फिरती गुड़िया है गुड़िया, इसका तो मुंह मांगा दाम मिलेगा दीदी। आप कौन है? मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे कहाँ से जाना है? ए! ज्यादा बकवास मत कर, शांति से खड़ी रह। जानती है ना मैं हीरा हूँ हीरा, गले पर चढ़ू तो सजा देती हूँ, गले में उतरू तो काट देती हूँ। ज्यादा बकवास की ना तो सोच ले मैं क्या करूंगी। चुपचाप खड़ी रह। आपने मुझे झूठ बोला, आप झूठी हैं। आपने कहा था कि आप मुझे अच्छी जगह ले जाओगी, जहाँ मुझे सहारा मिलेगा, मैं सुरक्षित रहूंगी। अरे रे रे रे, ऐसी कौन सी जगह है दुनिया में जहां औरत जात सुरक्षित है? काश ऐसा भरोसा औरतों को घर में ही नसीब हो जाता तो क्या शिवदासपुर जैसी नगरी बसती? आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे यहां से जाना है। ये? अरे सोना, मिर्ची है मिर्ची, तीखी मिर्ची, चमका दे इसे, फिर इसे सजाकर ऐसे परोसेंगे कि थाली का स्वाद बढ़ जाएगा। ले जाए इन सबको और डाल दे उन बच्चों के साथ। वंश और अंश यहां?
पहले वंश और अंश भी यहाँ है, इसका मतलब ठकुराइन जी ने ये सब नहीं किया है। और कौन थे इन सब के पीछे? सुनिए ना, इसको देखें। दो बच्चे हैं, आपने इन्हें कहीं देखा है? कहाँ गया वंश? और अंश भी उसके साथ है। अरे चुप हो जा, सारा का सारा आज ही रोलेगा क्या है? अब तो तुम सबको सारी जिंदगी रोना है। इसको अलग ही रखना पड़ेगा, वरना इसका रोना सबका खाना पीना सोना बर्बाद कर देगा। ये सब कौन है? अरे मेरी रस मिलाई, ये सब तेरी ही तरह किस्मत के मारे हैं। पर इन सब के पैर पे क्या बंधा हुआ है? इन सब के पैरों में है बिजली के झटके मारने वाली मशीन। अगर किसी ने भी थोड़ा सा भी पैर हिलाया ना, तो ऐसा झटका लगेगा कि नानी दादी पापा मम्मी सब याद आ जाएंगी। हे माया, इसको भी मशीन लगा? जी। इतनी सी है और कितनी जवान चलती है तेरी, हाँ? तेरी जवान पे भी झटके वाली मशीन लगाऊं क्या? रुक, तुझे दिखाती हूं मैं ट्रेलर। ए माया, देना जरा इसको झटका। अब आया ना मजा? बढ़िया ही पक पक करने वाली। ये बात बात पे हवेली वाले मारे को क्यों बुला लेते हैं हवेली पे? कभी खुद क्यों ना आते थाने में? कभी मारे को भी मौका दो खातिरदारी का। खैर यो बताओ मन ने, ये इतना अर्जेंटली ठकुराइन ने क्यों बुलाया? मुझे भी नहीं पता है, और माँ जी अभी बाहर गई हैं। डोरी का कुछ पता चला? थारे को चिंता है भी डोरी की? उसने तो थारे पे हमला किया था ना। वैसे फिलहाल डोरी का कुछ पता न लगा है। बाकी उस एरिया में बहुत बच्चे उठाए गए थे, और मन ने सख्त से वो बच्चा उठाने वाले गिरोह ने डोरी को भी उठाया होगा, पर अभी तक उस गिरोह का पता ना चला है। तो पता लगाइए, छोटी बच्ची है वो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मारे से क्या पूछ रहा, अपनी माता जी से पूछो भाई। माँ आपने बुलाया इसको? हाँ। कुमार तुम रो क्यों रही हो? और बच्चे बच्चे कहाँ हैं? वो भी तो गए थे ना तुम्हारे साथ। अर्जेंट रिपोर्ट लिखी है। रिपोर्ट? हाँ ना, हमारे दोनों पोते अंश और वंश गायब हैं। गायब है मतलब माँ? पर बच्चों को तो तुम अपने साथ लेकर गई थी ना, क्या हुआ उन्हें? बोलो कोमल। जमीन आसमान एक कर दो, हमें हमारे पोते चाहिए, मतलब चाहिए। दो घंटे हैं आपके पास, वंश और अंश हमारी हवेली में होने चाहिए, सुना तुमने? हम तो अपनी पूरी कोशिश कर लेंगे, पर दो घंटा? हाँ, दो घंटे से ज्यादा नहीं है हमारे पास। कितनी गंदी जगह है, और तुम कौन हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें इतनी गंदी जगह लाने की?
तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कैलाशी ठकुराइन का पोता। तुम सबको ना मैं अंदर करवा सकता हूँ, समझे? चलो हमें जाने दो यहाँ से और हमारे भाई को वापस दो हमें। क्या चाहिए तुम मुझसे? सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुंह बंद करके मुर्गा बन जाए। बन मुर्गा। और सुन, ये जवान के साथ ना आंखों की टंकी भी बंद कर। अब तो ना हिलना और ना ही बोलना, समझा? दादी तुझे छोड़ेगी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी तेरी तरह यहाँ फंस गई हूँ। मुझे भी इन सब की तरह यहाँ पकड़ के लाया गया है। हम सब यहाँ खतरे में। खतरा? ये सब लोग हमारे साथ क्या करने वाले डोरी? मुझे नहीं पता है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कोई हमें यहाँ ढूंढने आएगा भी या नहीं। मुझे दादी की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। मैं फोन उठा लीजिए ना, क्या पता किसी कोई बच्चों की जानकारी दे रहा हूँ। फोन उठा लीजिए। हेलो, चांदनी बोल रहे हैं जी। रिश्तों की तार काटने की गलती कर चुकी हो, फोन काटने की गलती मत करना। तुम्हारे दोनों पोते मेरे पास हैं। अगर अपने पोतों को वापस पाना चाहती हो तो आ जाओ शिवदासपुर। जुगनू मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और हाँ, अकेली आना। पुलिस को बताया तो दोनों पोतों को सोता हुआ पाओगी, हमेशा के लिए। किसका फोन था? चक्रम का फोन था, कह रहा था कि बच्चे उसी के पास है। अब इंस्पेक्टर ने यही वजह आपको हमने यहां बुलाया, माफी चाहते हैं, अब जा सकती हैं। कमाल है, हम सरकारी नौकर हैं ठकुराइन, थारे नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सचमुच गायब हुए हैं और मारे को ढूंढना है। ससमा, बच्चे चक्रम के पास है, ये कैसे हो सकता है? चक्रम तो मेरे साथ था। झूठ, झूठ बोला था हमने। चक्रम का फोन नहीं आया था, जिसने हमारे पोतों को अगवा किया है उसका फोन आया था। हे भगवान, पूरे चांद की रात में इस खानदान के दोनों चांद अगवा हो गए। हिम्मत कैसे हुई? एक बार मालूम चल जाए अपने अपने हाथों से मारेंगे हम उनको। नहीं नहीं आनंद, ये वक्त नहीं है। हम पैसे लेकर जा रहे हैं और दोनों बच्चों को हम लेकर आएंगे।
हाँ हम दोनों जाएंगे। आप अकेले नहीं जाएंगी, हम दोनों साथ। नहीं, कोई नहीं आएगा हमारे साथ, हम जाएंगे, हम काफी है, हम जाकर बच्चों को लेकर आएंगे और हम वादा करते हैं कि अंश और वंश पर हम कोई अंश नहीं आने देंगे। वादा करते हैं। आज सालों बाद न चाहते हुए भी अपने पोतों की खातिर फिर से हमें शिवदासपुर की गलियों में जाना ही पड़ेगा। इसके बाद कुछ खाने को नहीं मिलेगा। वैसे ये कौन सी जगह है? किसी को नहीं पता, जब यहाँ लाए थे तो आंखों पर पट्टी बंधी थी, ना गलियां दिखी ना रास्ते और ना बनारस जैसे मंदिरों की आवाज। हाँ, यहाँ बहते पानी की तेज आवाज आती है, जैसे कोई नदी या नहर हो आसपास। पर हमें यहाँ क्यों रख गए? क्या करेंगे हमारे साथ? आरती उतारेंगे तेरी, महारानी बना के रखेंगे। अरे वही होगा ना जो हर एक लड़की के साथ होते आया है, जिसकी किस्मत फूटी हो, जिन्हें यहाँ लाकर बेचा गया हो,